नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचडी में। दोस्तों आज 26 जनवरी है। दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसको बाबा साहब ने बनाया था दोस्तों। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के बारे में ये सेशन है, जो इस बार गुवाहाटी में दोस्तों हुआ, गुवाहाटी असम में हुआ। तो इसके बारे में सबसे पहले हम असम के बारे में जानेंगे दोस्तों। जो असम का गठन है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी इसकी दिसपुर है दोस्तों। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल जी, राज्यपाल जगदीश मुखी दोस्तों, और यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों है बिहू सत्रिता है, मंदिर कामाख्या। उच्च न्यायालय दोस्तों गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र में पड़ता है। राजकीय पशु यहाँ का जो है एक सींग वाला गैंडा। असम दोस्तों, असम के बारे में सब बता रहा हूँ। असम का जो राजकीय पशु है वो एक सींग वाला गैंडा। और राष्ट्रीय सीमा दोस्तों, ये इसकी राष्ट्रीय सीमा दी हुई है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और वगैरह वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों जरूर याद रखना है, जो असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भूटान और बांग्लादेश को टच करती हैं। ब्रह्मपुत्र और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, और जो नदी का द्वीप है वो मांजुली दोस्तों है। यहाँ के ये प्रमुख उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइकड़ो राष्ट्रीय उद्यान। ये तुम्हारे कहाँ पड़ते हैं? असम में दोस्तों पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत के जो ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई, 46 में जो थे वो यहीं से थे। भारत का सबसे बड़ा ब्रिज कहाँ है? धौला सदिया, वो भी असम में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज, रेल रोड ब्रिज दोस्तों याद रखना है, तो ये भी तुम्हारा यहीं पर पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ। दोस्तों ये ऊपर मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो दोस्तों असम में ही हुए, इसीलिए मैंने थोड़ा असम के बारे में बता दिया। नेक्स्ट अब पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का है, यूथ गेम खेलो इंडिया यूथ गेम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो ये जो आपका है ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। नेक्स्ट आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, गुवाहाटी में होने वाले तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभंकर लोगो और जर्सी का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी तो नहीं किया दोस्तों, दो और तीन मतलब किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनेवाल। फिर से देख लीजिएगा, जो यहाँ का शुभंकर लोगो और जर्सी था उसका जो है किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनेवाल जी ने किया, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट आपका ये एडिशन जो है तीसरा एडिशन था दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है तीसरा एडिशन था। अब कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का शुभंकर क्या था? तो जय और विजय, जय और विजय। और दोस्तों ये इधर जो है इसका लोगो भी दिया हुआ है, एक ये और ये जय और विजय इसका था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कितने खेलों को शामिल किया गया? दोस्तों 20 खेलों को शामिल किया गया, 20 खेलों को शामिल किया गया इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम में, और ये 20 आपके रहे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पहली बार कौन से दो खेलों को शामिल किया गया? तो साइकिलिंग और लॉन बाउल्स, साइकिलिंग और लाइन बाउल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 20 में शीर्ष पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा? तो जो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों है वो हमारा नई दिल्ली, इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम में केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर एक पे कौन रहा? नई दिल्ली, और टोटल में आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सातवां क्वेश्चन, खेलो आठवां क्वेश्चन नंबर दोस्तों है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 की विजेता टीम महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते? तो 256 दोस्तों, 256 मेडल इन्होंने प्राप्त किए। आपका स्वर्ण पदक जो है 78, रजत 77 और कांस्य 101। दोस्तों ये आंकड़ा जो है आपको याद रखना है। अब जो है आगे का, महाराष्ट्र तो ये हो गया, अब हरियाणा का देख लीजिएगा। हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा, स्वर्ण जो है 68, रजत 60 और कांस्य 72। नई दिल्ली आपका स्वर्ण 39, रजत 36 और कांस्य आपका 47।
नेक्स्ट आपका दोस्तों, ये तीन एडिशन हो गए। पहला यहाँ पे जो 2018 में हुआ था दोस्तों, वो दिल्ली ने होस्ट किया था। स्टार्ट और इन डेट 31 जनवरी से स्टार्ट होकर 8 फरवरी तक चला। 16 स्पोर्ट थे दोस्तों, 16 खेल थे। 2019 का दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में हुआ, 9 जनवरी से 20 जनवरी तक और 18 खेल थे। और 2020 का बता चुके हैं, गुवाहाटी असम में हुआ, 10 जनवरी से 22 जनवरी तक, इसमें 20 स्पोर्ट थे दोस्तों, 20 स्पोर्ट थे। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में असम राज्य का क्या स्थान रहा दोस्तों। ये जिस राज्य में हो रहा है उसका ही आपको ना पता हो तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए आपको जो है ये भी जानना जरूरी है कि असम राज्य का जो सातवां स्थान रहा। असम ने दोस्तों टोटल 76 जो है मेडल लिए, 20 स्वर्ण, 22 रजत और कांस्य 34। नेक्स्ट आपका है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, बता चुका हूँ दोस्तों, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। नेक्स्ट आपका है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में टार्च लाइटर कौन था, टार्च लाइटर तो हिमा दास दोस्तों, ये एक जो है बहुत अच्छी धाविका है। नेक्स्ट आपका है खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेते हैं दोस्तों, तो अंडर 17 और अंडर 21 के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की शुरुआत किस दिन हुई थी, तो 10 जनवरी को, आगे बता चुका हूँ। तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों भी 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का मुख्य समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ, तो इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम दोस्तों। जो उस स्टेडियम का दूसरा नाम याद रखना है, सूरज सजाई स्टेडियम। प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले 1000 खिलाड़ियों को कितने रुपए की वार्षिक सहायता दी जाती है दोस्तों, तो ये 5 लाख की वार्षिक सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली, बता चुका हूँ पहले ही दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यूनिवर्सिटी में दोस्तों भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ये चालू होगा 22 फरवरी 2020 को और समापन इसका 1 मार्च 2020 को हो जाएगा। कुल खेल इसके अंतर्गत रहेगा 17 और खिलाड़ियों की संख्या 4000 से अधिक है और 100 विश्वविद्यालय से अधिक इसमें भाग लेंगे दोस्तों, याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम का पुराना नाम क्या था, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पुराना नाम था दोस्तों, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। नेक्स्ट आपका आज का 20वां क्वेश्चन दोस्तों है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सीईओ का क्या नाम है, तो इनका नाम दोस्तों अरविंद जोशी। तो दोस्तों ये रहे आज के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि खेलो इंडिया से रिलेटेड थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे लगे होंगे और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए लाभदायी होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।